हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे। तो आज हमने करी है दुकान की छुट्टी क्योंकि लवी कल जाने वाली है अपने ससुराल। तो आज उसका कहना है कि आज घूमने चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं रानीखेत। तो आप लोग को दिखाएंगे रानीखेत वाला ब्लॉग। तो अभी तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज ना धूप भी बहुत तेज़ आ रखी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना हो गया। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम मस्त है। और अभी हमारा टूर बन रहा है रानीखेत का, तो छोटी सिस्टर को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो वो भी साथ में आ रही है और हमारे वेदांश भी साथ में आ रहा है। तो अभी भी रेडी हो चुकी है और वेदांश भी रेडी हो चुके हैं। वेदांश हेलो बोलो। हाय बोलो वेदांश। हाय हाय। ये तो हम लोगों ने तीनों ने सेम कुर्तियाँ ली है, मतलब दीदी की और लवी की कुर्ती सेम है। लवी की कुर्ती मैंने पहनी है, मेरी कुर्ती लवी ने पहनी है। ये बताना जरूरी है। हाँ फिर तू बोलने वाली थी ना, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। तो हमारा सफ़र हो चुका है स्टार्ट और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है गाइस, देख सकते हैं पूरा आसमान बादलों से कितना सुंदर लग रहा है। तो बाकी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पर रुक चुके हैं और यहाँ पर से मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि यहाँ पर से देखो हिमालय कितना प्यारा लग रहा है और देखो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है और वेदर जो है ना आज काफ़ी ऑसम हो रखा है, आप देख सकते हैं। और आसमान में बादल ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल बहुत सुंदर से। तो आगे चलते चलते अभी हम पहुँच चुके हैं रानीखेत के पास। तो यहाँ पर है कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर रानीखेत। तो आर्मी वालों की अंदर ट्रेनिंग भी चल रही है। के हम रानी झील आदि वेदू हो क्या मना खुश ये एक मिनट। तो ये है आलव रानीखेत, काफी सुंदर है। और यहाँ से मैं आपको पूरा झील दिखाती हूँ, बहुत प्यारा झील है, बहुत प्यारा झील है। दिखाते हुए झील का नज़ारा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आई लव रानीखेत के पास और जो काफ़ी सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं गाइस। इन लोग को फोटो शूट कराना है। देखो मेरे को इन्होंने कैमरामैन बना रखा है, पोज देके खड़े हो रखे हैं और वेदांश अच्छे से घूम रहा है। वैसे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, अभी छाया सी हो गई है और वेद तो इतना खुश हो रहा है ना यहाँ पे ही है ना। कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है बताओ सबको। ये तो घूम रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बना रखा है बैठने वाला, तो ये लकड़ियों का बना हुआ है और ये चीड़ की लकड़ियों का बनाया है और इसमें बहुत अच्छा सा पेंट किया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो। और बैठने वाला भी यहाँ पे बना रखा है, ये भी चीड़ के पेड़ का ही बना रखा है, ये देख सकते हैं अंदर। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मस्त वाला ये कुछ इस तरीके के बनाया गया है। हमारे वेदांश को ये बेंच बहुत पसंद आया है, वो उसको यहाँ बैठना है और अब फिर से उठ गया है वेदू क्या। और अभी हम जा रहे हैं रानी झील में बोटिंग करने। ये चल रहा है आगे आगे से और यहाँ पे सुंदर सुंदर से फूल लगाए हुए हैं और यहाँ पे है टिकट घर, यहाँ से लेना है टिकट, उसके बाद हम वोटिंग करेंगे।
तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ, वो भी कलरफुल। ये देखिए इनको दिया जा रहा है दाना, तो ये खाने के लिए आ रहे थे। बहुत सारी गुणी भी आ रखी है। वैसे इनको बोला जाता है लंगूर, लेकिन हमारे पहाड़ी में इनको बोला जाता है गुणी। और ये अपने एक पूछ से एक मारती है ना, उसी में इंसान ठंड हो जाता है। और ये मुझे कैसे घूरने में लगी पड़ी है, देखो इसको। और गाइस देखिए यहाँ पे जिप लाइन एडवेंचर भी है, तो ये लड़की यहाँ पे जिप लाइन कर रही है, देख सकते हैं। काफी मस्त है यहाँ पे। तो बोटिंग करके भी हम आ चुके हैं, अब चलते हैं घर की ओर। तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद चलेंगे घर को। तो गाइज ये है रानीखेत के रास्ते में बुबू धाम मंदिर, और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर। जय हो हनुमान जी, जय बजरंगबली। और नीचे है भोलेनाथ का मंदिर, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। ये है अपने भोलेनाथ। तो गाइस रानीखेत घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए घर, और अभी कल जाने वाले हैं वेदांश और वेदांश की मम्मी, और मैं भी जाऊंगी साथ में छोड़ने के लिए। तो अभी हम उनके लिए तोड़ रहे हैं करेले जो हमारे खेत पे लगे हुए हैं। तो वेदांश मस्त तरीके से खा रहा है कुरकुरे, और मैं और वेदांश तोड़ रहे हैं उसके लिए, उसके घर के लिए करेले। और आसू मौसी तोड़ेगी उसके लिए हरी मिर्च, ठीक है। तो हम तोड़ते हैं करेले। वेदांश और निम्मी तोड़ रहे हैं यहाँ पे करेले, और बीच में कबाब मटी आ जा रही है अभी। तो गाइस देखो मेरे करेले हुए इतने बड़े से, उसको ये छोटे छोटे से, ये भी हो रहा है, और उसके कुरकुरे खा दिए गुलाब के फूल बहुत से। और ये लोग बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, और क्या कहते हैं बहुत कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पे, हंसा दे रहे बात बात पे। और रोज देखो कितना प्यारा हो रखा है, इसने हमारे सारे भौके कुरकुरे घुरा दिए। देख जरा, 1 2 3 4 5 कुरकुरे घुरा दिए। तो निम्मी ने तोड़ दिए यहाँ पे करेले, और दिखा हमारा करेला कितना बड़ा हो रखा है। कितना बड़ा वाला करेला हो रहा है ये, और ये भी बड़ा नहीं है तो इसलिए छोटा हो रखा है। मतलब इसका साइज भी बढ़ रहा था, तो हमने पहले ही तोड़ दिया इसको। ये देखो एक पॉली भर के तोड़ दी इसने। तो गाइस करेला वगैरह तो हमने तोड़ लिए थे, और अभी मैं और लवी जा रहे हैं ऊपर गांव में किसी के वहाँ, मतलब भाभी है उनके वहाँ पे, क्योंकि उनके वहाँ ना नाशपाती हो रही है, और लवी को नाशपाती लेके जाना है, मतलब अच्छा लगा खाने में। तो गाइस देखो बारिश की वजह से ना आजकल खेत बिल्कुल हरे भरे से हो गए हैं, और मड़वा इतना बड़ा हो चुका है देखो हमारे वहाँ को, और भट वगैरह भी इतने बड़े हो गए हैं। ये देखो भट के पेड़, और मड़वा इतना बड़ा हो गया। तो हम भाभी के वहाँ आए थे नाशपाती तोड़ने, भाभी यहाँ गुड़ाई कर रही है अकेले अकेले, तो इनकी सोयाबीन की गुड़ाई कर रहे हैं। देखो ये कितनी मस्त हो रखी इनकी सोयाबीन, बड़े बड़े। भला रहा तुम, भला रहा गो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इनके पेड़ के पास, और लवी ने तोड़ दिए हैं देखो नाशपाती, और एक गिर गया। चल फिर चलता हम इससे पकड़। तो फाइनली हमने इतने सारे नाशपाती तोड़ दिए हैं, बाकी अब नहीं तोड़ रहे हम। तो मैं भी एक नाशपाती खा रही हूँ, ये नाशपाती खा रही हूँ, बहुत टेस्टी हो रहा है, मीठा मीठा सा, और अभी अच्छे तरीके से पका नहीं है तो और टेस्टी होता है। काफ़ी टाइम बाद खाई मैं आइए। तो गाइस मेरी मम्मी के ना सर में दर्द हो गया, दिन भर इतना काम करती है मम्मी, खेत तो मैं जाते रहती है पता नहीं क्या। और अभी हमारे मम्मी ने तोड़ रखा है एक अनार हमारे पेड़ से, और जो पक चुका है ना मम्मी, मीठा हो रहा, फिर दो और ही खा रहे हैं।